केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को कोरबा में युवा कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर बाइक रैली निकाली, जो गौमाता चौक से शुरू हुई और पूरे शहर में घूमी। युवा कांग्रेस के नेता श्याम नारायण सोनी ने केंद्र सरकार की रीति नीति को गलत ठहराते हुए कहा कि किसानों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही उनके हक में कोई निर्णय लिया जा रहा है। इसी आक्रोश स्वरूप कोरबा जिले में भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में युवा कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। वहीं रामपुर पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर ने बताया कि मोदी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। सर, क्या कहेंगे आज किस प्रकार का ये किसान आंदोलन था आप लोगों का, किसानों के समर्थन को लेकर? ये किसानों के समर्थन को लेकर के युवा कांग्रेस के बैनर तले कोरबा जिले के सारे युवा कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी के निरंकुश शासन के चलते जो किसानों के मांग को अग्रहित करते हुए ये जो किसान का जो है मांग जो है पूरा नहीं किया कर रहे हैं, और तीन जो है कानून के जो तीन काला कानून थोपा जा रहा है उसके खिलाफ में सारे जगह के चलते हमारे कोरबा जिले में भी युवा कांग्रेस के द्वारा ये आंदोलन किया गया है, रैली निकाली गई है। और अगर जो है ये तीन कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, मोदी जी के द्वारा जो निरंकुश शासन थोपा जा रहा है ये सीधा जो है अंग्रेजों के शासन की तरह है, जिस तरह से अंग्रेज जो है गुलाम बना के रखे थे हिंदुस्तान को, वैसे ही ये तीन कानून किसानों को जो तीन कानून अगर रद्द नहीं होता है तो निश्चित है आने वाले समय में पूरे हमारे किसान गुलाम हो जाएंगे। और जितने इनके गिनते के जो बड़े जो करोड़पति हैं उनके हाथ मुट्ठी में खिलौना हो जाएंगे। इसी के खिलाफ में कोरबा जिला के सारे युवा कांग्रेस के लोग किसानों के समर्थन में ये किसान रैली निकाले हैं। अगर मोदी जी इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं तो निश्चित है आने वाले समय में और तेज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और अगली बार भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है कि बाहर जाना प्रदर्शन किया गया। देखिए, ये कोरबा जिला युवा कांग्रेस से बैनर तले ये रैली किसानों के पक्ष में किसानों के समर्थन पे निकाली गई है। जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है किसानों के खिलाफ जो कानून काले तीन कानून बनाए हैं उसको निरस्त करने की मांग है, क्योंकि जो बिल बने हैं उसमें MSP का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं है। 1955 अधिनियम एक्ट के भंडारण की जो कानून है उसे हटा दिया गया है कि कोई भी व्यवसायी कोई भी ठेकेदार कितनों भी भंडारण कर सकता है, इस पर कोई कानून नहीं है। इसके अलावा मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, इससे सीधा सीधा उनके मित्र उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा और जो किसानों के अहित में होगा। अभी जो कानून बनाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं वो अपील कर सकते हैं एक कलेक्टर लेवल तक के, उन्हें जुडिशियल तक वो जा नहीं सकते। ये भी कहीं ना कहीं एक पूरी सोची समझी साजिश के और षड्यंत्र कहते कानून बनाया गया है ताकि अपने मित्र उद्योगपतियों को इसका लाभ पहुंचा सके। इससे किसान आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर ऐसा समय आ जाएगा किसानों को अपनी ज़मीन को उद्योगपतियों के हाथे देना पड़ेगा। इसीलिए आज कोरबा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा बैनर तले ये कार्यक्रम किया है, ये हमारा प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। आगे इस तरह से कार्यक्रम सर क्या कहेंगे आज किस प्रकार का ये किसान आंदोलन था आप लोगों का, किसानों के समर्थन को लेकर? ये किसानों के समर्थन को लेकर के युवा कांग्रेस के बैनर तले कोरबा जिले के सारे युवा कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी के निरंकुश शासन के चलते जो किसानों के मांग को अग्रहित करते हुए ये जो किसान का जो है मांग जो है पूरा नहीं किया कर रहे हैं, और तीन जो है कानून के जो तीन काला कानून थोपा जा रहा है उसके खिलाफ में सारे जगह के चलते हमारे कोरबा जिले में भी युवा कांग्रेस के द्वारा ये आंदोलन किया गया है, रैली निकाली गई है। और अगर जो है ये तीन कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, मोदी जी के द्वारा जो निरंकुश शासन थोपा जा रहा है ये सीधा जो है अंग्रेजों के शासन की तरह है, जिस तरह से अंग्रेज जो है गुलाम बना के रखे थे हिंदुस्तान को, वैसे ही ये तीन कानून किसानों को जो तीन कानून अगर रद्द नहीं होता है तो निश्चित है आने वाले समय में पूरे हमारे किसान गुलाम हो जाएंगे। और जितने इनके गिनते के जो बड़े जो करोड़पति हैं उनके हाथ मुट्ठी में खिलौना हो जाएंगे। इसी के खिलाफ में कोरबा जिला के सारे युवा कांग्रेस के लोग
किसानों के समर्थन में ये किसान रैली निकाले हैं। अगर मोदी जी इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं तो निश्चित है आने वाले समय में और तेज़